हेलो प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में मैंने आपको एलिस इन वंडरलैंड के रीडिंग करवाई थी। सारा आपको हिंदी में समझाया था, सारे जो वर्ड्स हैं, काफ़ी सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो मुझे लग रहा था कि आपको नहीं आते होंगे, वो मैंने आपको सारा जो है ना एक तरह से ट्रांसलेशन पूरा किया था इस चैप्टर का। आज की वीडियो में हम करेंगे न्यू वर्ड्स, इनके मैं मीनिंग्स आपको बताऊंगी न्यू वर्ड्स के, और हम साथ में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है यहाँ तक। और फिर बाकी की एक्सरसाइजेज है ना, जो ये वाली अगले पेज पर जो भी है, वो हम कल की वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको फिर ऐसे बोर भी हो जाते हो आप। और वैसे भी क्या होता है कि इस तरह से करवाना ही ठीक रहता है। आज वर्ड मीनिंग्स करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स, और कल सारे के सारी जो है बाकी एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो ये वाले वर्ड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स हैं, इनके मैं मीनिंग्स आपको कराऊंगी हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और फिर ये जो रीडिंग इज फन है, इसके कितने क्वेश्चंस है देखो, इसके 7 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये सारे हम करेंगे, तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। इसमें क्या है, फर्स्ट वर्ड है स्कैम्पर। स्कैम्पर जो है इसका मीनिंग है हिंदी में तेजी से दौड़ना, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है मूव फास्ट, ठीक है। मैंने ऊपर लिखा वर्ड मीनिंग इन हिंदी, मीनिंग इन इंग्लिश, ठीक है। हरिड, हरिड का हिंदी में मीनिंग है जल्दबाजी में किया गया, या फिर शीघ्रता से किया गया, शीघ्रता में किया गया, लेकिन आई थिंक जल्दबाजी इज ओके फॉर यू। जल्दबाजी में किया गया या फिर डन वेरी क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी किया गया। नेक्स्ट है पॉप्ड। पॉप्ड का हिंदी में मीनिंग होता है अचानक कहीं आना या जाना, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है वेंट ऑफ। नेक्स्ट है डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है गायब हो जाना, और इंग्लिश में होता है वैनिश, ठीक है। और लास्ट है विस्कर्स। विस्कर्स जो है उसका हिंदी में मीनिंग होता है मूछे, और इंग्लिश में जो होता है, ये देखो दोनों स्पेलिंग्स डिफरेंट है लेकिन इनको बोलते एक ही तरह से, और दोनों एक ही वर्ड है। मूछे जो है उसकी इंग्लिश होती है मस्टाशेस, ठीक है, इसको बोलते हैं मस्टाशेस, या फिर इसको बोलते हैं मस्टाशेस। मूछे की इंग्लिश होती है मस्टाशेस। तो मस्टाशेस के स्पेलिंग्स ये भी होते हैं MUSTACHES या फिर MOU, बाकी सब स्पेलिंग्स सेम है बट ओ यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। इसको मस्टाशेस भी बोलते हैं बच्चों, और इसको मस्टाशेस भी बोलते हैं, दोनों ही ठीक है। ये तो हो गई मूछे की इंग्लिश, लेकिन अगर मूछ बोलना हो तो एस नहीं लगता, और फिर हम इसको बोलते हैं मस्टाश, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं मस्टाश, ठीक है, मस्टाश मस्टाश। तो स्पेलिंग्स कोई भी हो सकते हैं, दोनों स्पेलिंग्स ही करेक्ट है। तो चलो अब कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में मैंने सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख लिए और आंसर्स भी हैं, तो बुक की अभी जरूरत नहीं है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी, जब वो स्टोरी सुन रही थी तो वो एलिस ने क्या देखा। व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस सॉ अ व्हाइट रैबिट, उसने एक व्हाइट रैबिट देखा था ना, ठीक है, तो ये हो गया एलिस सॉ अ व्हाइट रैबिट। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ, जो एलिस ने रैबिट देखा उसके बारे में क्या डिफरेंट चीज थी, वो क्या डिफरेंट था उसमें। तो इसका आंसर है द रैबिट दैट एलिस सॉ कुड टॉक, तो रैबिट जो एलिस ने देखा वो बात कर सकता था। इट वोर अ वेस्ट कोट एंड इट कैरिड अ वॉच, जो कि बहुत डिफरेंट बात है ना, कोई रैबिट बात तो कर नहीं सकता, बट वो वाला रैबिट जिसको एलिस ने देखा था, इट कुड टॉक। इट वोर अ वेस्ट कोट, उसने वेस्ट कोट पहना था, आपने कभी देखा किसी रैबिट को वेस्ट कोट पहने हुए। एंड इट कैरिड अ वॉच, और उसने वॉच भी उठाई हुई, तो वॉच देखिए किसी रैबिट के पास नहीं ना, तो उसने क्या है वॉच भी पहनी हुई थी, मतलब पकड़ी हुई थी, कैरिड अ वॉच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट जो कहाँ गया। द रैबिट वेंट डाउन अ लार्ज रैबिट होल, वो कहाँ चला गया, एक बड़े से रैबिट होल में चला गया। मैंने आपको जब लेसन समझाया था तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसलिए अभी नहीं ज्यादा समझाऊंगी, बट एक चीज जो बहुत जरूरी समझाने वाली है वो देखो, क्वेश्चन में गो है लेकिन आंसर में क्या हो गया है वेंट, वो क्यों हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बच्चों पास्ट टेंस में है। वेयर डिड द रैबिट गो, जब डिड लगता है ना उसके साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाते हैं, ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, लेकिन आंसर में डिड खत्म हो जाता है और ये वाला जो पास्ट टेंस है ये इधर चला जाता है, तो हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करना पड़ता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस लिखना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन पास्ट टेंस में तो आंसर भी पास्ट टेंस में देंगे ना, अब यहाँ पे अगर हम लिख देंगे गोज तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में आंसर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पास्ट में है, डिड लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर गो है, बट डिड ये हमें बता रहा है कि क्वेश्चन जो है वो पास्ट टेंस में, तो इसलिए यहाँ पर आएगा वेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि इसको वंडरलैंड नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, वंडरलैंड, ठीक है।
हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, कैसे पहुंची वो? एलिस रीच वंडरलैंड बाय जंपिंग इन टू द रैबिट होल. कैसे पहुंची वो? रैबिट होल में जंप करा उसने और फिर वो वहां पहुंच गई. ठीक है, अब यहां भी देखो डिड है यहां पे और रीच लगा हुआ है ना, तो आंसर में डिड खत्म हो जाएगा और यहां पे रीच का क्या बन जाएगा? रीच्ड. ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस बन जाता है क्योंकि क्वेश्चन पास्ट टेंस में है. इसका मैं आपको बार बार बताती रहूंगी तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. नेक्स्ट है, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी. एलिस ने क्या स्ट्रेंज, क्या अजीब सी चीजें देखी? क्या देखी उसने? एलिस सॉ अ वेरी स्मॉल डोर. उसने बहुत छोटा सा डोर देखा ना, दरवाजा देखा था ना, 15 इंच का था सिर्फ, है ना, तो वेरी स्मॉल डोर. शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट. उसने एक ग्लास का टेबल देखा, मतलब शीशे का टेबल देखा, विद अ गोल्डन की ऑन इट. उसके ऊपर क्या पड़ी थी? गोल्डन की पड़ी हुई थी, चाबी पड़ी हुई थी. शी ऑल्सो सॉ द लवलीस्ट गार्डन विद ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स. और उसने क्या देखा? सबसे प्यारा, आज तक उसने देखा नहीं था इतना प्यारा गार्डन, वो देखा जिसमें कि ब्राइट फ्लावर्स थे और साथ में कूल फाउंटेन्स जो है वहां पर थे, मतलब ठंडे पानी के फाउंटेन्स चल रहे थे और बहुत ही कलरफुल ब्राइट फ्लावर्स थे. ठीक है, एक और क्वेश्चन है, 6 नंबर, वो हम देख लेते हैं क्या है. डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ. अपने शब्दों में बताओ वो वाला गार्डन जो एलिस ने देखा था. द गार्डन हैड ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स. मैं आज आपको एक्सप्लेन नहीं ज्यादा कर रही क्योंकि मैंने कल लेसन में आपको बहुत अच्छे से बता दिया था. द गार्डन हैड ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स. और गार्डन में क्या थे? ब्राइट फ्लावर्स थे और कूल फाउंटेन्स थे. इट वॉज द लवलीस्ट गार्डन एलिस हैड एवर सीन. ये लवलीस्ट गार्डन था जो एलिस ने अब तक देखा था, मतलब अब तक का सबसे प्यारा गार्डन था जो एलिस ने देखा था. ठीक है, अब 7th क्वेश्चन जो है वो यहाँ बुक से ही मुझे करवाना पड़ेगा आपको. क्यों? क्योंकि वो है ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स. अपने ड्रीम्स का गार्डन बनाओ. तो मैंने ये ड्रॉ किया है गार्डन, देखो. आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा. अच्छा लग रहा है आपको ये वाला गार्डन जो मैंने ड्रॉ किया है? अच्छा लग रहा है ना? तो आप इस तरह से बना लीजिए या किसी भी तरह से जो आपको लगता है अच्छा उस तरह से बना लीजिए. तो नेचुरली आपकी क्रिएटिविटी है ना, आपकी वो है कि जो आपके ड्रीम्स का गार्डन है तो वो आपने दिखाना है, तो आप बनाइए, दिखाइए. और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये ऐसा ही बना दीजिए. आज का वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड. जल्दी ही मिलूंगी, मतलब कल ही मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, इस लेसन की बाकी सारी एक्सरसाइजेस के साथ. तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखना. एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल टिल नाउ प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आई कीप ऑन अपलोडिंग सच वीडियोज विच एनहेंस योर नॉलेज एंड मेक यू इंटेलिजेंट.